ठीक है, जितने भी लोग कनेक्टेड है मोस्ट वेलकम है। और आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। कल हमने डायरेक्ट सेलिंग की पावर के बारे में जाना, डायरेक्ट सेलिंग के फायदों के बारे में जाना कि हम डायरेक्ट सेलिंग का चुनाव करते हैं तो हम क्या फायदा ले सकते हैं। सिस्टम की पावर क्या है कल हमने जाना कि एक अकेला व्यक्ति जो नहीं कर सकता वो सिस्टम कर सकता है, कोई भी एक अकेला नहीं कर सकता वो सिस्टम कर सकता है। इसलिए सिस्टम सबसे बड़ा है, अपने को सिस्टम की ताकत को पहचानना है। सही बात बोल रहा हूँ ना? और हम सिस्टम से करेंगे तो बहुत बड़ा कर सकते हैं। जैसे एक कार को उठाने के लिए जैक एक सिस्टम का काम करता है जो उसको उठा सकता है, लेकिन अकेला व्यक्ति या चार व्यक्ति मिलके भी नहीं उठा पाए। एक जैक एक साइड से एक कार को उठा देता है। पता है क्यों? जैक सिस्टम का काम करता है। अपने को सिस्टम को सर्वोपरि मान के काम करना है अगर हमने को बड़ा काम करना है और लंबे टाइम टिकना है। डायरेक्ट सेलिंग में बड़ा काम वही कर पाए हैं जिन्होंने 5 से 10 साल लगातार कंटिन्यूटी के साथ दिए हैं। आप अगर चुनिंदा, आप छोटा टारगेट लेके आ रहे हो, छोटा गोल लेके आ रहे हो, तो आप बहुत लंबे नहीं टिकने वाले और लंबा टिके बिना इस बिजनेस में सफल हो नहीं सकते। तो अपने को इन चीजों का ध्यान रखना है। दोस्तों, 8 कोर स्टेप का जो हमारा पहला हिस्सा है, मतलब 8 कोर स्टेप में मैंने कोई स्टेप बाय स्टेप नहीं रखे। सबसे अच्छी बात है, जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों के आप देखोगे तो अलग अलग उन्होंने ना अपने स्टेप्स को अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर रखा है, फिर लिख रखा है। लेकिन मैं कॉमनली आपको सिर्फ ये एक्सप्लेन करूंगा कि अपने को क्या क्या करना है वो समझना है। दोस्तों, सबसे पहले जो आपको करना है वो है अपने सपनों की लिस्ट बनाइए। ठीक है, जब डायरेक्ट सेलिंग में उतर चुके हैं और आप लोगों को बताया गया है कि डायरेक्ट सेलिंग करना है, सबसे बड़ी बात है, सबसे पहला काम जो है, सबसे आसान काम जो है, और एक्चुअल में मुश्किल भी बोलूंगा क्योंकि बहुत सारे लोग आज तक नहीं कर पाए, आप लोगों के पास क्या अपने सपने लिखित में हैं? देखो, अगर आपके पास अपने सपने लिखित में होंगे, आप आज कमजोर हो जाओगे कोई दिक्कत नहीं, कल कमजोर हो जाओगे, आपको आज चैलेंज आएंगे कल चैलेंज आएंगे, लेकिन आप लंबे टाइम 2 साल 5 साल भी नेगेटिव नहीं होगे क्योंकि आपके पास सपने लिखित में हैं, आपके गोल्स मजबूत हैं। ठीक है, अपने ड्रीम्स को लिखिए और उसको गोल में कन्वर्ट कीजिए। मतलब सपनों को लिखना किस प्रकार से है, मैं हमेशा बताता हूँ, सपनों को 3 प्रकार से लिखना है, शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म, लॉन्ग टर्म। मतलब 6 महीनों में आपको क्या क्या अचीव करना है, 1 महीने में आपको क्या अचीव करना है, 6 महीनों में क्या अचीव करना है, 1 साल में क्या अचीव करना है, 3 साल में क्या अचीव करना है, और आने वाले 5 से 10 साल में क्या अचीव करना है। ये है आपके शॉर्ट टर्म गोल। आपको शॉर्ट टर्म में ये सोचना है कि आपको शॉर्ट टर्म गोल्स के अंदर क्या क्या अचीव करना है, सॉरी शॉर्ट मिडिल 3 साल तक क्या क्या अचीव करना है, और लॉन्ग टर्म 5 साल से 10 साल के अंदर डायरेक्ट सेलिंग से क्या अचीव करना है। अब ये जब आप सपने लिखोगे, मैं बोलता हूँ कोई भी एक व्यक्ति हो जो उसके पास 20 से 30 सपने ऐसे लिखित में होने ही चाहिए जिसको लेके वो मोटिवेट होके काम कर सके। मतलब एक अच्छी कार लेने का सपना हो सकता है, अच्छी बाइक लेने का सपना हो सकता है जिसके पास नहीं है, अच्छी घड़ी लेने का सपना हो सकता है, एक अच्छा प्लॉट लेने का सपना हो सकता है, अच्छा घर बनाने का सपना हो सकता है, समाज के लिए कुछ करने का सपना हो सकता है, या फिर आपको अपने कपड़ों को लेके कोई सपना हो सकता है, फैशन को लेके कोई सपना हो सकता है, अच्छे स्मार्टफोन को लेकर सपना हो सकता है। आपके वो सपने जो आपको हमेशा काम करने के लिए मोटिवेट करें, ऐसे सपने आपके पास लिखित में होने चाहिए। जब आप सपनों को लिखित में लिख लोगे तो वो आपको गोल की तरह काम करवाएंगे। फिर आपको ये लिखना है कि अगले, मान लो आपने गोल बनाया कि 6 महीने बाद मेरा एक सपना है कि मुझे 20,000 का फोन चाहिए। एग्जाम्पल लेते हैं, 3 महीने बाद मेरे को सपना है कि मेरा 20,000 का फोन चाहिए। आज से आपने वर्किंग करनी शुरू की बिजनेस में, आपका पर्पज होना चाहिए कि अगले 3 महीनों के अंदर अंदर मुझे 40,000 रुपये कमाने हैं। अगले 3 महीनों में जब आप 40,000 रुपये कमाने वाले हैं तो आपका सपना पूरा होने वाला है। आपको पता है 20,000 बेसिक फील्ड का एक्सपेंसेस आ जाएगा, फिर मैं बचे हुए 20,000 से स्मार्टफोन ले पाऊंगा। अगर आप 20,000 का सपना देखोगे तो आप फोन नहीं ले पाओगे या कुछ भी वो जो आपने गोल सोचा है वो नहीं ले पाओगे। आप अपने सपनों को गोल में कन्वर्ट कीजिए। आपको 3 महीने में क्या करना है, 6 महीनों में क्या करना है, 1 साल में क्या करना है, 1.5 साल में क्या करना है। जब आप सपनों को गोल में कन्वर्ट करोगे तो आपका बिजनेस करना इजी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट स्टेप पे बात करें तो बड़ा इजी और बड़ा आसान है, मैं हमेशा बोलता हूँ। दोस्तों, अपनी लिस्ट बनाइए, लोगों की लिस्ट बनाइए। दोस्तों, बहुत सारे लोग इस बिजनेस में आ तो गए हैं, उनके पास लिस्ट नहीं है, लिस्ट बनाई नहीं है। वो ये बोलते हैं कि हमारे दिमाग में हमें लोग याद हैं। मैं ये बोलता हूँ, हो सकता है आपके दिमाग में आपको लोग याद होंगे। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आप लोगों में से आज 15 लोग हम कनेक्टेड हैं, 15 लोग ईमानदारी से बताएंगे कितने लोगों के सपने अब तक लिखित में हैं? 15 लोगों में से कितने लोगों के सपने लिखित में हैं?
अगर आपने लिखा है तो आज नहीं तो कल पूरा हो जाएगा। सबसे बड़ी बात है डायरेक्ट सेलिंग में अगर आप पूरे नहीं कर पाए तो भी आप जिंदगी में पूरे कर लोगे, क्योंकि आपके सपने लिखित में हैं। आपने ब्रह्मांड को ये मैसेज दे दिया, आपने ब्रह्मांड को ये मैसेज दे दिया कि आपको चाहिए क्या। चलिए बहुत अच्छी बात है जगदीश जी, हरजिंदर जी, आपने अपने सपने लिख रखे हैं। दोस्तों अब बात करते हैं सपनों को लिखने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है, अपना लिस्ट बनाइए। लिस्ट क्यों बनाना जरूरी है, जैसे मैंने बताया दोस्तों, हर काम में, हर व्यापार में, हर छोटे से बिजनेस में सर मैंने लिख रखा रखे हैं। सर कृष्णलाल जी मैंने पहचाना नहीं, एक बार आप सर अपना परिचय दें। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया लिस्ट बनाने का, तो लिस्ट का मतलब है कि सिंपल सी बात है, आपने लगातार जो लिस्ट का मतलब सिंपल सा ये समझो कि आपका कच्चा माल ही लोग हैं। जैसे हर अगर मान लो किसी का मेरे जूस की दुकान है तो मेरे लिए कच्चा माल फ्रूट हो गए, मैं फ्रूट से जूस बना सकता हूँ, सही है ना। अगर मेरी आटा पिसाई की दुकान है तो इसका मतलब यह है कि मेरे लिए कच्चा माल गेहूँ हो गया, उसी से मैं आटा बना सकता हूँ। उसी प्रकार से डायरेक्ट सेलिंग लोगों का बिजनेस है और रिश्तों का बिजनेस है, तो आपको लोगों के साथ रिश्ते होने चाहिए, लोग होने चाहिए। ओके मैं वीडियो पर ठीक है, ओके वेलकम कृष्णलाल जी। चलिए मैं बताता हूँ, जैसे हमारा कच्चा माल लोग हैं तो हमें लोगों पे फोकस करना है, और बहुत सारे लोग लोगों पे ही फोकस नहीं कर पाते, ये बहुत बुरी बात है। किस प्रकार से आप कर सकते हो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों सबसे पहले आपको कम से कम 50 से 100 लोगों का लिस्ट बनाना है, और आपको वीक में एक नया नाम उसमें ऐड करना है। आपका कच्चा माल, आपकी लिस्ट आपकी कभी खत्म नहीं होगी, और आपका बिजनेस कभी खत्म नहीं होगा, लगातार एक्सटेंड होगा। अगर आप एक गृहिणी हैं, हाउसवाइफ हैं, तो भी आपको कम से कम 50 लोगों की लिस्ट चाहिए। अगर आप हर व्यक्ति को ऐसे टाल दोगे कि ये तो सब्जी वाला है, इसका नाम लिखना क्यों जरूरी है, ये तो हमारा पड़ोसी है, इसका नहीं लिखते हैं, ये तो हमारा रेगुलर डॉक्टर है, इसका क्या लिखना, आप शर्मा जाओगे सबका नाम लिखने में, तो ये सबसे बड़ी भूल है आपकी। क्योंकि लोग जो हैं, सही है, जो इस धरती पे जी रहे हैं, उनको सबको ज़रूरत है हमारे प्रोडक्ट्स की, हर डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज के प्रोडक्ट्स की। तो इसका मतलब ये समझना है आपको कि हर व्यक्ति को ज़रूरत है, उसको लिस्ट में उतारो ताकि उसका कल को प्लान दिखा पाओ, आप फॉलोअप कर पाओ, सब कुछ कर पाओ। सबसे बड़ी बात है कि आप सबसे मेजर जो गलती करते हैं, अपने लिस्ट को एक्सटेंड नहीं करते। आप 50 लोगों की लिस्ट है, 25 लोगों से मिल लिए, 25 लोग उनमें से ज्वाइनिंग आई, एक आप अब नेगेटिव हो, पता है क्यों, आपको लग ही नहीं रहा भविष्य में बिजनेस चलेगा। लेकिन अगर आपकी लिस्ट वीक में एक नया नाम ऐड होता, आपको 3 महीने के दौरान आप 25 प्लान दिखाते, तो इसका मतलब था 50 लोगों की लिस्ट में 12 नए नाम ऐड हो चुके होते, 62 हो चुके होते, सही बात बोल रहा हूँ ना, 62 हो चुके होते। आप ऑटोमेटिकली मोटिवेट होते क्योंकि आपके पास लिस्ट अभी भी बच रही होती। जिस व्यक्ति के पास डाटा होगा ना, जिसके व्यक्ति के पास लिस्ट होगी, वो कभी नेगेटिव नहीं होगा इस बिजनेस में। और नेगेटिव वही होंगे जिसके पास लिस्ट नहीं होगी, जिनके पास डाटा नहीं होगा, उनको नेगेटिविटी आएगी इस बिजनेस को करने में। तो अपने को पॉजिटिव रहने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपने को लिस्ट बना के बिजनेस करना पड़ेगा। दोस्तों ड्रीम बनाना, लिस्ट बनाना, ये एक संकल्प की तरह है। अगर आपके पास आपका संकल्प नहीं है ना, तो आप नहीं कर पाओगे। सबसे बड़ी बात, आपको संकल्प लेना पड़ेगा कि मुझे वीक में एक व्यक्ति की लिस्ट बनानी है। अगर आप ये सोचो कि चलो इसको छोड़ देता हूँ, नया नाम ऐड कर लूंगा, इसको भी छोड़ देता हूँ, इसको भी छोड़ देता हूँ, हर व्यक्ति को छोड़ते रहोगे ना, तो आपसे लिस्ट नहीं बनेगी। क्योंकि आपका सपनों को बनाना, देखो मैं हमेशा बोलता आया हूँ, आज तक 15 लोग कनेक्टेड है, मैं वादा करता हूँ 15 के 15 कभी सपने नहीं लिखेंगे, ठीक है, मैं वादा करता हूँ 15 के 15 लोग लिस्ट नहीं बनाएंगे। पता है क्यों, मुझे विश्वास है इस चीज़ का कि हमेशा प्रायिकता का नियम ही काम करता है, उसका नियम काम करता है। हर व्यक्ति अपना संकल्प नहीं लेता कि मैं इतना कर लूँगा, और आप अगर संकल्प लेते हैं कि मैं लिस्ट बनाऊँगा 50 लोगों की, तो स्टार्टिंग में बनाऊँगा, उसके बाद एक नया नाम ऐड करूँगा, तो आपको भी आप जिंदगी में ज़रूर सफल होंगे। दोस्तों मुझे एक व्यक्ति की याद आ जाती है कहानी इससे संकल्प के ऊपर। एक व्यक्ति था जिसकी दुकान थी, और एक मतलब नॉर्मल सी छोटी सी दुकान थी। वो अपनी दुकान पे बैठ के डेली थोड़ी बहुत बिक्री किया करता था, छोटे मोटे परचून के सामान रखता था और बिक्री किया करता था। लेकिन उसके सामने देखता था वो एक गधे का ठेला आता था, वो मतलब वहाँ पे आता था, डेली काम करता था। वो आदमी बहुत आलसी था, लेकिन उसकी एक आदत थी